जासवाल भाई, जासवाल ने क्या धमाका किया है और उसके साथ शिवम दुबे ने क्या आग लगा के रखी है। अफगानिस्तान की एक्सपीरियंस साइड, वो नबी जो लेफ्ट हैंडर का स्पेशलिस्ट है, वो अफगानिस्तान जिस ये जो इंडिया अफगानिस्तान से सेकंड T20 मैच जीता है ना, मुझे मोहम्मद हफीज की वो बात याद आ गई। हफीज ने कहा था कि हम मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे, हम अब से मॉडर्न क्रिकेट को अडॉप्ट करेंगे। इंडिया के दरमियान इंडिया ने अफगानिस्तान को बम्बू कर दिया, बंदूक कर दिया, और क्या कमाल किस्म की जो इनिंग खेली आज इंडिया की यंगस्टर यानी कि जसवाल ने। और पिछले लेकिन फिर भी इंडिया को चाहिए कि इनके 10-10 ओवरों में मैच खत्म करे। भाई मैच नहीं, पूरा कॉमेडी ड्रामा चल रहा है यार। समझ में नहीं आ रहा भाई किसको देंगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। क्या क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट। 15.3 ओवर्स के अंदर 172 को चेस करना, यही अगर पाकिस्तान की टीम होती और यही अफगानिस्तान की टीम होती तो मजाल है, ऐसे चेज होता। पाकिस्तान अगर जीतता भी तो पाकिस्तान आखिरी ओवर में जाके चेज करके जीतता, क्योंकि ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जिससे आज का मैच देखने को मिला लाजवाब परफॉर्मेंस नहीं, इंडिया जीतता हुआ नजर आया। तो आइए पाकिस्तानी वापस आते हैं, उनकी क्या राय है कि शुभमन गिल ने जिस तरीके से रोहित शर्मा को रनआउट कराया इनका पता तो कट रहा है। और आज जसवाल ने जो इनिंग खेली है वो शुभमन गिल को टोटली उनका पता जो है उसने काट दिया है। और T20 में शायद आपको शुभमन गिल अब ओपनिंग में तो ना ही दिखे और बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, लेकिन बहुत ही सुपर डुपर और कमाल किस्म की इनिंग जो है वो खेली है। इवन भाई लास्ट के ओवर में काफी ज्यादा मजा आया भाई, इतना ज्यादा मजा, और फिर लास्ट के दो बॉलों में भाई कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अफगानिस्तान वाले तो इंडिया को सपोर्ट भी बड़ा करते हैं, है मुसलमान लेकिन चेले उनके हैं, फिर भी क्या कहते हैं इंडिया उन पे तरस तो खा नहीं रहा। तो देखिए जा न्यूजीलैंड को, ओहो अफ्रीका को धोया, जा ऑस्ट्रेलिया को धोया, जा वर्ल्ड कप में 10। नमस्कार दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे T20 मैच में भारत ने 6 विकेट से मैच को जीत लिया है। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 172 रन पर ऑल आउट हो गए, और भारत की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट हासिल करने वाले अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। 3 विकेट अर्शदीप सिंह हासिल किया और 2 विकेट रवि बिश्नोई हासिल किए, और फिर 173 रन का टारगेट भारत को मिला जो भारत ने 15 ओवर 3 गेंद में ही हासिल कर लिया। भारत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओपनर SSV जसवाल ने 63 रन की पारी खेली। उसके बाद फिर से शिवम दुबे ने इस दूसरे T20 मैच में भी अर्धशतक बनाया और फिर नाबाद रहे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। का हर बॉलर फजलियाक फारूकी, आप देखो, आप नवीन देखो, लीग्स खेलते हैं, IPL खेलते हैं, आप नबी को देखो, मुजीब को देखो, आप नूर को देखो, वो नूर जिसने पाकिस्तानी टीम की बैंड बजाती थी वर्ल्ड कप में, उसके खिलाफ इतनी डोमिनेशन किस्म की बैटिंग दिखाई है, दोनों ने मिलकर आग लगा के रख दी। और उससे बढ़ के जो विराट कोहली ने ऊपर से टेम्पो सेट किया है, बहुत सारे लोग कह रहे थे विराट कोहली को निकाल दो, विराट कोहली खत्म हो गए, विराट कोहली तो एंकर रोल प्ले करता है और विराट कोहली तो स्लो खेलता है, ये करता है वो करता है, तो विराट कोहली ने भी उनका मुंह बंद करके रख दिया। और इंडिया ने जिस तरह से 2-0 किया है इतने कम ओवर्स में, ये सारा टारगेट चेज करके रख दिया भाई, आग लगा के रख दी। उस बारे में बात इसमें तो बॉलर दोनों भाग रहे हैं, रेस लग रही है। भाई बहुत हंसा हो यार, बहुत हंसा हो, काफी ज्यादा हंसा हो यार। ये क्या मैच है यार, ये क्या हो रहा है यार, ये लास्ट के दो बॉलों में यकीन करो पूरा मैच एक तरफ, ये लास्ट के दो बॉल जो थे ये सांस आके पागल कर दिया भाई। विराट कोहली आए, सुपरमैन विराट कोहली, क्या शॉट्स मारे विराट कोहली ने, जो स्ट्रेट बैट रोक कर जो शॉट मारा था विराट कोहली ने, छक्का होना चाहिए, प्रॉपर क्लास शो की है। और फिर आए शिवम दुबे, रिमेम्बर द नेम शिवम दुबे, भाई दुबे क्या भाई, दुबे 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 आज सीरीज भी जीत गए, और दुबे ने क्या खेला, दाऊद साहब तोड़ दिया इन्होंने तो। देखो हम हमेशा अफगानिस्तान के अगेंस्ट हर मैच को सीरियस ले लेते, और वहां पे यंग लड़के जिन्होंने इससे पहले अफगानिस्तान के बॉलर्स को खेला ही नहीं हुआ, राशिद खान ही नहीं था ना बस, बाकी तो सारे वही बॉलर है, मुजीबुर रहमान, नबी हो गया, नूर अहमद जिसने पाकिस्तान को पकड़ा वर्ल्ड कप के अंदर, फजल अकबर रुकी, वही बॉलर्स हैं।
उनको यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके मारा है, सेंसेशनल बल्लेबाजी। 10 मैच जीते तो वहाँ अफगानिस्तान उनके सामने एक छोटी चुनती गया और वो किस खेत की मूलियाँ, इंडिया ने इनको भी नहीं छोड़ना था, जाहिर सी बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया ने इनको भी नहीं छोड़ा था, लेकिन लोग कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बाप बेटे वाले हम लोगों को नजर आ रहे होते हैं। एंड सेकंडली अगर देखिए, बॉलिंग अच्छी लगी आपको भारत की देखकर? नहीं, बॉलिंग मैं बताऊँ इंडिया, अब मुझे पता नहीं है लेकिन कभी कभी आपकी लक नहीं होती, लेकिन जिस तरह इंडिया परफॉर्मेंस देता, अफ्रीका को 86 पे आउट कर देता तो अफगानिस्तान को 172 पे किया, ये अच्छी बात नहीं है ना। अच्छी बात, हाँ इनको 50 पे करें, या फिर तो उन्होंने अपनी दोस्ती का सवाल रखा है, उन्होंने कहा हम इनको उठ जाएंगे हमसे इस वजह से, लेकिन फिर भी इंडिया को चाहिए कि इनके 10 ओवरों में मैच खत्म करे। छोटी सी टीम आ गया जो तो टांग उठा के मारता है, ये तो स्काई की तरह मारता है और अगले मैच में उसके गले में सरिया आ जाता है और वो ठुस होके चला जाता है, उसका घंटा बज जाता है। उमर अफजाल साहब, आप इंडिया के युवा खिलाड़ी देखे हैं, कोई कैच ड्रॉप नहीं है और प्रॉपर डोमिनेंस दूसरे तीसरे स्टैंड में जा रही है, इतने लंबे लंबे छक्के, एक्सपीरियंस बैटर्स को कोई फ्लाह नहीं है और क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है उनको देखते हुए कि यार एक जस आती है जो ना, वो मजा आता है इंडिया के युवा खिलाड़ियों को देख के, दिल खुश हो गया देखते हुए। लेकिन यही चीज आपके प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, देखो ना, बात करते हैं आजम खान इफ्तिकार अहमद की, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई 2 T20 मैचेस के अंदर, कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को उन्होंने 2 T20 मैचेस हराए हैं, कितनी ही बुरी तरह से। सवाल मेरा ये है कि आजम खान, कहने को तो डिफेंस करने आप लोग आ जाते हैं, डिफेंड करने आ जाते हैं कि आजम खान ने सिर्फ 7 इनिंग्स खेली है, और मेरे प्यारे भाई रिकू सिंह ने T20 के अंदर कितनी इनिंग्स खेली है, शिवम दुबे ने कितनी इनिंग्स खेली है, जायसवाल ने कितनी इनिंग्स खेली है, और उनके परफॉर्मेंस निकाल के देख लो। तो पहली बात तो यह है कि जो जायसवाल ने, हम बार बार कह जाते हैं एक ही बात कि जिस तरीके से शुभमन गिल अच्छे खिलाड़ी है, इस बात में कोई शक नहीं है, कमाल है, लेकिन जायसवाल जिस अपने पीक पर है ना भाई, वो डिजर्व करता है ओपनिंग करना, आप कैसे रोकोगे उसको, रोक सकोगे तो रोक लो, लेकिन जायसवाल ने कमाल कर दिया भाई। खत्म होने वाला इंडिया और अफगानिस्तान का मैच, सिर्फ 3 रन बकिया हैं, लेकिन अली साहब 3 मैच खेले गए हैं आज, एक जिम्बाब्वे और श्रीलंका का, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग मराइल में दाखिल है, लग रहा है कि श्रीलंका की जीत में एक बंदा खड़ा हुआ है और उसका नाम है सिकंदर रजा, कप्तान, बल्ले के साथ भी बॉल के साथ भी। सुबह पाकिस्तान टीम हमारी उसको हार हो गई थी और अब इंडिया ने 2-0 कर दिया अली साहब। भाई अफगानिस्तान के बैट्समैन ने एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, एक भाग रहा है खड़ा हुआ है, जब वो रुक जाता है दूसरा भाग रहा है, बेइज्जती करवा दी भाई। दो बंदे तो इसी चक्कर में आउट हो गए, एक भाग रहा है एक रुका हुआ है। बहरहाल भाई वेल डन, अफगानिस्तान की टीम वाकई में जबरदस्त बैटिंग, और मुझे दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के बल्लेबाज शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल का इतनी तारीफ कर रहे हैं कि ये सब लड़के आगे चलकर भारत के भविष्य हैं, जो भारत को बहुत अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे, क्योंकि अभी यशस्वी जायसवाल सिर्फ 22 साल के हैं और शिवम दुबे भी अभी कम ही हैं, जो इनको बना रहा है भारत, और ये सब आगे चलकर बहुत अच्छा करेंगे, और पाकिस्तान का कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा है और हार जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।